गुड मॉर्निंग, मोहित शर्मा, लेक्चरर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट नेम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। टॉपिक शेयरिंग ब्रिज। ऐसी ब्रिजेस की स्टडी में अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं शेयरिंग ब्रिज को। शेयरिंग ब्रिज बेसिकली कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है। इससे पहले DSOT ब्रिज भी काम में लेते थे कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए, लेकिन DSOT ब्रिज केवल आइडियल कैपेसिटेंस या आइडियल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ही मापने के लिए काम में लिया जाता है, मीन्स जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक लॉस जीरो हो। लेकिन प्रैक्टिकली देर इज सम लॉसेस इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए रजिस्टेंस R1। तो यहाँ पे इम्परफेक्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस नापने के लिए शेयरिंग ब्रिज काम में लिया जाता है। तो उसके लिए ब्रिज की एक आर्म AB में अपन कैपेसिटेंस C1 और रजिस्टेंस R1 जो कि डायलेक्ट्रिक लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कनेक्ट कर देंगे। AD में C2 एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर है, C4 वेरिएबल कैपेसिटर है, R4 वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, R3 फिक्स्ड नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। तो अंडर बैलेंस कंडीशन की बात करें, बैलेंस कंडीशन इज शोन बाय द डिटेक्टर D, जो नल कंडीशन शो करेगा। जब नल कंडीशन शो होगी उस केस में ID की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ID जीरो हो गया तो I1 इज इक्वल टू I3 एंड I2 इज इक्वल टू I4। अंडर दीज कंडीशन क्या होएगा, आपने सामने की जो ब्रांचेस है उनका इम्पीडेंस का प्रोडक्ट रिमेनिंग इम्पीडेंस की ब्रांचेस है उनके प्रोडक्ट के बराबर होएगा। तो Z1 Z4 बराबर Z2 Z3। Z1 की बात करें तो R1 प्लस 1 अपॉन में जे ओमेगा C1 इनटू में, अब Z4 निकालने के लिए यहाँ पे अपन देख रहे हैं R4 और C4 पैरेलल में है। तो R4 का इम्पीडेंस R4 और C4 का 1 अपॉन में जे ओमेगा C4। तो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाल लेंगे अपन तो ये आएगा R4 अपॉन में 1 प्लस जे ओमेगा R4 C4 इज इक्वल टू Z2 Z3। Z2 यहाँ पे C2 कैपेसिटेंस है तो 1 अपॉन में जे ओमेगा C2 इंटू में R3। अब दोनों इक्वेशंस को अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे। चूंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कब इक्वल होगी, जब उनके रियल और इमेजनरी पार्ट्स क्या हो, समान हो। तो जब रियल पार्ट्स की कंपैरिजन करेंगे बोथ साइड्स और इमेजनरी पार्ट्स की अपन कंपैरिजन करेंगे बोथ साइड्स, तो दो इक्वेशंस मिल जाएगी। R1 की वैल्यू आएगी R3 C4 अपॉन में C2 एंड C1 इज इक्वल टू कितना जाएगा C2 R4 अपॉन में R3। तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स वी हैव टू गेट दीज टू इक्वेशंस, जहाँ पे R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायलेक्ट्रिक लॉसेस इन द कैपेसिटर C1, उसको अपन रेजिस्टेंस R1 से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। AB ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो E1 है, BC ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो E3 है, A और D के भी AD ब्रांच के अक्रॉस E2 है और DC ब्रांच के अक्रॉस E4 है। इसके अलावा अपन लॉस एंगल भी निकाल सकते हैं डायलेक्ट्रिक का, उस पे ही बेस होता है डिसिपेशन फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा C1 R1। तो यहाँ पे R1 और C1 की वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद में ओमेगा C1 R1 से अपन लॉस फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, डिसिपेशन फैक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंसुलेटर, कैपेसिटर बसिंग, इंसुलेटिंग ऑयल एंड अदर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। थैंक यू।